बरोड़ा डेयरी में चल रहे वैसे भ्रष्टाचार के आरोप के विवाद के बीच आज बरोड़ा डेयरी कर्मचारी यूनियन द्वारा बरोड़ा डेयरी को बदनाम होने से बचाने की मांग करते हुए आज आवेदन पत्र दिया था। सावली के विधायक केतन इनामदार द्वारा बरोड़ा डेयरी में भ्रष्टाचार, सगावाद, गैर वहीवट के आरोप के बीच आज बरोड़ा डेयरी कर्मचारी यूनियन के कर्मचारी मंडल द्वारा बरोड़ा डेयरी को बदनाम होने से बचाने के लिए मैदान में उतरते हुए जिला कलेक्टर कचेरी में आवेदन पत्र दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पूर्व अभी तक वडोदरा जिला के विधायक केतन इनामदार द्वारा बरोड़ा डेयरी में भ्रष्टाचार, सगावाद, गैर वहीवट जैसे आरोप लगाते हुए आंदोलन किए गए है, जो ये चल रहे वैसे भ्रष्टाचारी आंदोलन के विवाद में बरोड़ा डेयरी कर्मचारी यूनियन के प्रमुख चंद्र सिंह महिड़ा की आगेवानी के तहत आज कर्मचारी यूनियन द्वारा जिला कलेक्टर कचेरी में आवेदन पत्र दिया गया। बरोड़ा डेयरी को बदनाम होने से रोकने के विरोध में आज भारी तादाद में यूनियन के कर्मचारी जुड़े थे और डेयरी को बदनाम नहीं करने के लिए और इसे बंद करने की मांग कर आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें कर्मचारी यूनियन के प्रमुख चंद्र सिंह महिड़ा का कहना था कि राजकीय अग्रणियों द्वारा बरोड़ा डेयरी का मानव चीर हरण किया जा रहा है। सालों से वे लोग बरोड़ा डेयरी में नौकरी करते हैं। वडोदरा जिला के एक विधायक प्रसिद्धि के लिए बरोड़ा डेयरी के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिसके कारण नामांकित बरोड़ा डेयरी की बदनामी हो रही है, जो बंद करने की मांग करते हुए आज बरोड़ा डेयरी के तमाम कर्मचारी यूनियन द्वारा आवेदन पत्र दिया गया और अगर आरोप और निवेदन बंद नहीं किए जाएंगे तो वे आने वाले वक्त में हड़ताल पर उतरेंगे, वैसी भी चेतावनी दी गई थी। जहां आज जिला कलेक्टर कचेरी में आवेदन पत्र देते हुए बरोड़ा डेयरी को बदनाम होने से रोकने की मांग की गई, जहां उनका कहना था कि वर्ष 2012 पहले भी बरोड़ा डेयरी का स्टाफ 2400 था, तब दूध की आवक 3.75 लाख लीटर थी। वर्ष 2012 के बाद दूध उत्पादकों की ढेरों कोशिशों के चलते बरोड़ा डेयरी नियामक मंडल के कोशिश के बावजूद दूध की आवक 7 लाख लीटर हो चुकी है। ऐसे में स्टाफ बढ़ाने के बदले स्टाफ को कम करते हुए 1300 कर दिया गया है। कायमी और कॉन्ट्रैक्टर वैसे कुल मिलाकर 1150 कर्मचारी फिलहाल कार्य कर रहे हैं। ऐसे में बरोड़ा डेयरी के कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा है, तो वहीं बरोड़ा डेयरी को बदनाम नहीं करने की मांग और भ्रष्टाचारी निवेदन देने बंद करने की मांग करते हुए आज आवेदन पत्र दिया था। ना प्रतिनिधि तरीके हूँ चंद्र सिंह मेड़ा। कलेक्टर मेहरबान कलेक्टर साहेब ने आवेदन पत्र थी जान करवा में आया थे कि अमारा बरोड़ा डेयरी ना 1.5 लाख थी वधु दूध उत्पादकों अने 1000 थी वधु कर्मचारियों हित जलवाई रहेल एवी अमारी याद कर्मभूमि के जेवी बरोड़ा डेयरी अमारी जीवादोरी समान छे तेने हनन पहोंचाड़नारा तमाम प्रत्यक्ष अने परोक्ष रीते आक्षेप करनाराओने के कोईपण जगह गैररीति थई होय तो तमे एनो खुलासो करो, संघमां आवीने एनो खुलासो करो। पण जे मीडिया में अवारनवार निवेदनो करे छे, गत विधानसभानी चूंटणी पहेलाथी जा चालतुं हतुं, पछी पाछू बंद थई गयुं, फरी पाछू हवे चालू कर्युं छे, पण खरेखर जे जवाबदार होय એને તમે એ કરો, પણ બદનામ અમારા સંઘને કેમ કરો છો? આની માઠીએ સર અમારા દૂધ ઉત્પાદકો પર પડે છે, અમારા કર્મચારીઓ ઉપર પણ પડે છે અને અમારા ગ્રાહકો પર પણ પડે છે। સંઘ સિવાયના અન્ય પણ બીજા બધા સંઘો છે તેમાં પણ કંઈક ને કંઈક તો થતું જ હશે। અને આપ સાહેબ બધા જાણો જ છો કે આટલો મોટો સંઘ હોય અને સંઘની અંદર જ્યારે અમારે સંઘની બેનામી થતી હોય તો અમે એને બચાવવા માટે પ્રયત્ન કરવાના પાયા વિહોણાના આક્ષેપો છે ભાઈ, આ બધા આક્ષેપો એમના પાયા વિહોણાના આક્ષેપો છે। તેમને એક અમારો અધિકારી પીસી પટેલ ભ્રમિત કરે છે અને ખોટા પુરાવા આપે છે, અને સાચા પુરાવા હોત તો એમને અમારે કાઢી મૂકવાની જરૂર ન પડી હોત। મુખ્ય અમારી માંગ એ છે કે તમે રાજકીય રીતે જે કરો તે અમને કોઈ લેવા દેવા નથી, પણ અમારા સંઘને બદનામ ન કરો। બરોડા ડેરી કર્મચારી યુનિયન પ્રમુખ ચંદ્રસિંહ મહેડા।